brought to you by Cuckoo FM. Download the app now. एक अमेरिकी हॉरर लेखक है थॉमस लिगोटी। रेफरेंस के लिए समझिए कि HBO पर प्रसारित मशहूर थ्रिलर शो ट्रू डिटेक्टिव के पहले सीजन के काफी सारे डायलॉग्स उनके ही लेखन से लिए गए हैं। उनका एक कथन है, इस दुनिया का पागलपन, अशांति और बर्बरता, हर दिन अनगिनत लोगों की तबाही, इस सब के बीच हम चीख चिल्ला ही रहे होते हैं और इतिहास उंगली पर थूक लगाकर पन्ना पलट देता है। अब की बार इतिहास का एक नया पन्ना अफगानिस्तान में पलटा जा रहा है और उंगली के सिरे पर लगा है खून, जो 20 वर्षों तक चले एक युद्ध की निशानी बयां कर रहा है। सारी दुनिया इस युद्ध का दोषी अमेरिका को ठहरा रही है। ये बात सही भी है, लेकिन पूरी नहीं। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में सिर्फ अमेरिका ही नहीं, नाटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की फोर्सेस भी लड़ रही थीं। नाटो, जिसका जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, अमेरिका और यूरोप एटलांटिक महासागर के सिरे पर बसे दो महाद्वीप। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों की साझेदारी ने नए कीर्तिमान रचे, चाहे बाल्कन वॉर हो या 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर। मित्र राष्ट्रों का संगठन इन सभी युद्धों में साथ मिलकर लड़ा, लेकिन अफगानिस्तान में मिली शिकस्त ने समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। आशंका जताई जा रही है कि यूरोप अब अपनी अलग राह पर निकल सकता है। ब्रेक्सिट के बाद बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलनों से निपट रहा यूरोप अमेरिका के साथ रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करना चाहता है। अफगानिस्तान के बाद इन दोनों महाद्वीपों के अलायंस का क्या होगा? यूरोपीय देशों के सुर क्यों बदले हुए हैं? जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। शुरुआत 19वीं सदी के फर्स्ट हाफ से। ये 50 साल दो विश्व युद्धों के साक्षी रहे, जिनमें मानवीय जीवन और संपदा का भारी विनाश हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, जर्मनी पर भारी दंड लगाए गए, वर्षाय की संधि हुई और लगा कि स्थिति दोबारा सामान्य हो जाएगी। लेकिन 1930 में अमेरिका में आए इकोनॉमिक डिप्रेशन और जर्मन राष्ट्रवाद ने शांति को ज्यादा दिन ठहरने नहीं दिया। नतीजा 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसके फलस्वरूप पूरी दुनिया में ऐसी तबाही हुई कि प्रथम विश्व युद्ध बौना लगने लगा। 1945 में जब तक दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, यूरोप तबाह हो चुका था। हालात इतने खराब थे कि पूरे यूरोप को एक नए सिरे से निर्माण की जरूरत थी। 1945 को ईयर जीरो का नाम दिया गया, यानी शून्य से शुरुआत। प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण अंतर था। जान माल का नुकसान पहले विश्व युद्ध में भी हुआ था, लेकिन इस बार युद्ध के कहर का निशाना सिर्फ सैनिक ही नहीं, आम लोग भी बने थे। कहते हैं सर्वनाश के फोर हॉर्समैन होते हैं, महामारी, युद्ध, अकाल और मृत्यु। 19वीं सदी की शुरुआत में लगा कि मानवता ने इन्हें मध्य युग में पीछे छोड़ दिया, लेकिन तबाही के फुटस्टेप्स का पीछा करते हुए ये चार घुड़सवार 1945 तक आ पहुंचे थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए। दुनिया की डिक्शनरी में एक नया शब्द जुड़ा, वो शब्द था जेनोसाइड। युद्ध के बाद जब जर्मन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की असलियत सामने आई, तो ये साफ हो गया कि दुनिया पहले जैसे नहीं रहने वाली। दुनिया के स्ट्रक्चर में आमूल चूल परिवर्तन होना तय था। पूरे यूरोप में एक नारा चला, नेवर अगेन, यानी हम दोबारा कभी ऐसा नहीं होने देंगे। युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे, लेकिन जो जिंदा बचे थे उनकी हालत भी मौत से बदतर ही थी। बर्लिन और कीव जैसे खूबसूरत शहर खंडर में तब्दील हो चुके थे। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और बेल्जियम के प्रमुख औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्रों सहित कई शहर नष्ट हो चुके थे। समूचे यूरोप में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका था। विक्टोरियन एरा की खूबसूरती पर बमों और गोलियों ने ऐसे निशान छोड़े थे कि पूरा यूरोप एक शमशान नजर आता था। लोग भूखे मरने लगे और मदद का कोई इंतजाम नहीं था। रेड क्रॉस के जर्मनी में घुसने पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बावजूद जो भी मदद पहुंचाई जा रही थी, उसमें भी पुलों, बंदरगाहों और रेलवे लाइनों के नष्ट हो जाने के कारण दिक्कत आ रही थी। लाखों लोग बेघर हो चुके थे। अकेले जर्मनी में ही 70% घर नष्ट हो चुके थे। रसद नियंत्रण के नाम पर अधिकतर लोगों को सिर्फ 800 कैलोरी प्रतिदिन की खुराक मिल रही थी। नीदरलैंड में लोग टूलिप के फूल खा खाकर अपना पेट चला रहे थे।
1945 तक जर्मनी और जापान के निपट में चले जाने के कारण दुनिया में एक पावर वैक्यूम आ चुका था। ब्रिटेन की हालत ऐसी नहीं थी कि वो नई दुनिया को लीडरशिप दे। द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से सिर्फ 3 बड़े राष्ट्र बचे रहे थे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका। इनमें से सिर्फ अमेरिका था जिसने युद्ध में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के बल पर वो लीडर की भूमिका निभा सकता था, लेकिन अमेरिका और यूरोप के बीच पूरा अटलांटिक महासागर था। इससे सवाल उठा कि बिना नई संधियों और समझौतों के यूरोप को किस प्रकार मदद दी जाए। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अमेरिका एकला चलो की नीति पर चलता था। द्वितीय विश्व युद्ध से उसे ये समझ आया कि दुनिया के दूसरे इलाके में अगर एक तितली भी पर हिलाए तो अटलांटिक के पार तक तूफान आ सकता है, यानी बटरफ्लाई इफेक्ट। विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन बैंकरप्ट हो चुका था। फ्रांस की अधिकतर धन संपदा जर्मनों ने लूट ली थी। सोवियत की बढ़ती शक्ति अमेरिका के लिए चिंता का कारण थी। यूरोप के कई देशों में जनतांत्रिक सरकारों के खिलाफ कम्युनिस्ट आंदोलन शुरू हो गए थे। इसके पीछे सोवियत का हाथ था। अमेरिका के लिए जरूरी था कि सोवियत के बढ़ते प्रभाव को रोका जाए। इसके लिए 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें से पहला था मार्शल प्लान और दूसरा नाटो का गठन। 1947 में यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका और यूरोप के बीच एक मीटिंग हुई। सोवियत को भी न्योता दिया गया, लेकिन सोवियत ने यह कहते हुए मीटिंग में भाग लेने से इनकार कर दिया कि अमेरिका और उसके रास्ते अलग अलग हैं। इस मीटिंग में मार्शल प्लान की रूपरेखा तय हुई, जिसके अनुसार यूरोपीय देशों को $15 बिलियन देने का प्रस्ताव था। ये राशि तब अमेरिका की GDP के 5% के बराबर थी। 3 अप्रैल 1948 को अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने मार्शल प्लान पर दस्तखत किए। इसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, पश्चिम जर्मनी और नॉर्वे सहित 16 यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता पहुंचाई गई। मार्शल प्लान का एक बड़ा हिस्सा CIA को भी दिया गया, जिसने यूरोप में व्यापार के नाम पर अपने फ्रंट खोले, जो इस क्षेत्र में अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए थे। 1949 में ट्रांस एटलांटिक पार्टनरशिप की शुरुआत हुई। 4 अप्रैल 1949 को नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी पर साइन किए गए और नाटो का गठन हो गया। अक्सर कहा जाता है कि नाटो का गठन सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए किया गया, लेकिन इसके और भी उद्देश्य थे, जैसे यूरोप में अमेरिका की परमानेंट मौजूदगी, ताकि नाजी पार्टी जैसे अल्ट्रा नेशनलिस्ट संगठनों का उदय ना हो। इस ट्रीटी का एक विशेष हिस्सा था आर्टिकल 5, जिसके अनुसार नाटो के सदस्य देशों में से किसी एक पर भी हमला हुआ तो इसे सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। अमेरिका इस ट्रीटी का डिफैक्टो लीडर था। पूरे शीत युद्ध काल में उसने अपनी विश्वसनीयता बनाए रखी। उसकी कथनी और करनी में कभी बड़ा अंतर नहीं रहा। नाटो की पश्चिमी यूरोप और पूर्वी एशिया में रूस की शक्ति के खिलाफ संतुलन बनाए रखने में बड़ी भूमिका थी। यूरोप की सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका के ऊपर था। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में कितनी गर्मजोशी थी, इसकी वानगी 1962 के एक किस्से से मिलती है। 1962 में सोवियत ने अमेरिका के पड़ोसी क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दी थी। दुनिया में न्यूक्लियर आर्मागेडन के हालात पैदा हो गए थे। इस दौरान अमेरिका ने अपने यूरोपीय साझेदारों से मदद की गुजारिश की। अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन कैनेडी। कैनेडी ने अपने विदेश मंत्री डीन अचेसन को फ्रांस भेजा, ताकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फ्रांस अमेरिका का साथ दे। फ्रांस के पास UN में वीटो का अधिकार था। डीन अचेसन ने फ्रांस पहुंचकर राष्ट्रपति चार्ल्स डिगाल से मुलाकात की। अचेसन ने क्यूबा के हालात बताने के लिए राष्ट्रपति चार्ल्स से कहा, सबूत के लिए अमेरिका के पास तस्वीरें हैं जिनमें क्यूबा में मिसाइल की स्थिति साफ देखी जा सकती है। चार्ल्स ने तस्वीरें देखने से इनकार कर दिया और कहा कि अमेरिका पर उन्हें पूरा भरोसा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के शब्द ही काफी हैं, उन्हें और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 1991 में सोवियत का विघटन हुआ और शीत युद्ध समाप्त हो गया। अमेरिका इकलौती सुपर पावर बन गया, लेकिन इसके बाद भी उसने अपनी विश्वसनीयता बनाए रखी। अब बताते हैं आफ्टर 9/11 के हालात। यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में एक महत्वपूर्ण चरण आया साल 2001 में। अमेरिका पर हमला हुआ और पूरे यूरोप ने एक स्वर में कहा, हम सब अमेरिका के साथ हैं। अक्टूबर 2001 में जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने तालिबान पर आक्रमण का निर्णय लिया, तो उन्होंने इसका ऐलान करते हुए कहा
हमारी लड़ाई आतंक के विरुद्ध है। इस लड़ाई में जो हमारे साथ नहीं है, हम समझेंगे कि वो हमारे खिलाफ है। अभी हमने आपको नाटो ट्रीटी के आर्टिकल 5 के बारे में बताया। नाटो के 70 साल के इतिहास में यह आर्टिकल सिर्फ एक बार इन्वोक किया गया है, 9/11 हमले के बाद। अमेरिका वैसे भी घायल शेर की तरह बर्ताव कर रहा था। यूरोपियन यूनियन में युद्ध के खिलाफ छिटपुट आवाज उठी, लेकिन आर्टिकल 5 के कारण नाटो के सभी सदस्य देशों को इसमें भाग लेना पड़ा। 2003 में इराक वॉर के दौरान भी जब अमेरिका में झूठ परोसा गया कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तब भी यूरोप ने अमेरिका की देखा देखी की और इराक में अपनी सेनाएं भेजी। 2016 में अमेरिका की राजनीतिक स्थितियों में एक भूचाल आया। सबकी अपेक्षाओं के विपरीत डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन को हरा दिया और अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। यहीं से अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में बदलाव आने लगा। 2017 में नाटो सम्मेलन के दौरान एक तस्वीर बहुत चर्चित हुई। जर्मनी की चांसलर अंगेला मर्कल और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों एक टेबल के ऊपर हाथ धरे हुए हैं। सामने कुर्सी पर बैठे ट्रंप ने अपने हाथ बांध सीने से लगा रखे हैं, मानो कह रहे हो, तुम क्या चाहते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ अपने ही मन की करूंगा। अमेरिका और यूरोप के बदले हुए संबंध को जाहिर करने के लिए इससे बेहतर तस्वीर नहीं हो सकती। जिस अमेरिका को दुनिया का लीडर समझा जाता था, उसके राष्ट्रपति ने एक नया नारा दिया, अमेरिका फर्स्ट। असलियत में इसका मतलब अमेरिका फर्स्ट के बजाय ओनली एंड ओनली अमेरिका था, यानी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका। ट्रंप ने आते ही यूरोपियन यूनियन को गरियाना शुरू किया और ट्रांस एटलांटिक ट्रेड पर कई तरीके के टैरिफ लगा दिए। साथ ही विदेश नीति को लेकर भी ट्रंप का रवैया अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के विपरीत था। अफगानिस्तान में सिर्फ अमेरिकी सेना नहीं थी, वहां नाटो की फोर्सेस भी तैनात थीं। ट्रंप ने बिना अपने साझेदार देशों से मशवरा किए यह ऐलान किया कि चाहे कुछ हो, अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान से निकल जाएंगी। इसके बावजूद यूरोपियन यूनियन को लगा कि ये सब ट्रंप के चलते हो रहा है और ट्रंप के हटते ही चीजें दोबारा पटरी पर आ जाएंगी। लेकिन एक देश था जिसको बदलती हवाओं का अंदाजा हो गया था। 2017 में फ्रांस के राष्ट्रपति चुने जाने के तुरंत बाद ही इमैनुअल मैक्रों ने यूरोपियन संप्रभुता का मुद्दा उठाना शुरू किया। उन्होंने रक्षा मामलों में स्वायत्तता लाने और यूरोप की सैन्य क्षमता बढ़ाने की बात कही। जर्मनी और ब्रिटेन ने मैक्रों की इस अपील को नजरअंदाज किया। जर्मनी को लगा कि फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय पटल पर असर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ब्रिटेन में ब्रेक्सिट का मुद्दा ही यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के लिए उठा था। ऐसे में उसे यूरोप में बढ़ती सैन्य साझेदारी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। खैर, 2021 में ट्रंप की कुर्सी छिन गई और बाइडेन राष्ट्रपति बन गए। सबको लगा कि बाइडेन के आने से अमेरिका दोबारा वर्ल्ड लीडर का रोल संभाल लेगा। 2020 में जर्मनी में एक प्यू पोल कराया गया था। इसमें 79% लोगों ने कहा था कि बाइडेन के आने से अमेरिका दोबारा वर्ल्ड लीडर का रोल निभाने लगेगा। ट्रंप के कार्यकाल के दौरान सिर्फ 10% लोगों का ऐसा मानना था। इसे पता चलता है कि बाइडेन से यूरोप की जनता को क्या उम्मीदें थी। 2021 में हुए G7 सम्मेलन में एक और तस्वीर बड़ी चर्चित हुई। तस्वीर में बाइडेन और मैक्रों ने एक दूसरे के गले में हाथ डाल रखा था, मानो अमेरिका और यूरोप के रिश्ते पहले जैसे हो गए हो। बाइडेन ने कहा भी, अमेरिका इज बैक। लेकिन बैक जाते जाते बाइडेन 2015 वाले अमेरिका में नहीं रुके। उनकी ट्रेन रुकी 1939 में, जब अमेरिका आइसोलेशनिस्ट यानी पृथकतावादी नीति पर चलता था। 2021 में अमेरिका दोबारा एकला चलो की नीति पर लौट चुका है। अब बाइडेन हो या ट्रंप, इससे फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका की फॉरएवर वॉर से वहां की जनता थक चुकी है और किसी भी नेता के पास ये समर्थन नहीं है कि वो बाकी देशों के मामलों में हस्तक्षेप करे, खासकर तब जबकि COVID-19 के कारण अमेरिका की आर्थिक स्थिति को बहुत नुकसान हुआ है। बाइडेन के आने से लगा था कि यूरोप अमेरिका के रिश्ते पहले जैसे हो जाएंगे, लेकिन बाइडेन ने ट्रंप द्वारा लगाए टैरिफ को बनाए रखा है। कोविड वैक्सीन के लिए पेटेंट में राहत देते वक्त यूरोप से कोई मशवरा नहीं किया गया। साथ ही अमेरिका ने यूरोप पर कोविड के चलते यात्रा प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जबकि यूरोप की तरफ से अमेरिकी नागरिकों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष हैं मार्गरेटिस कीनस। इस हफ्ते वो अमेरिका का दौरा करने वाली थीं, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए दौरा रद्द कर दिया कि अगर अमेरिका यूरोपियन यूनियन पर यात्रा प्रतिबंध लगाए रखता है तो ऐसे में उनके अमेरिका दौरे का कोई मतलब नहीं है।
इसके अलावा यूरोपीय संघ ने अमेरिका को ट्रैवल संबंधी सेफ लिस्ट से भी हटा दिया है। इस मामले में फ्रांस की पूर्व मंत्री नताली लुएजा कहती हैं, बहुत से यूरोपीय देशों को लगा कि ट्रंप के जाने का इंतजार करना चाहिए, इसके बाद रिश्ते पुराने जैसे हो जाएंगे, लेकिन अब वो रिश्ते जीवित ही नहीं बचे हैं। मुझे लगता है कि अब यूरोप को जाग जाना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वो अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकता। अमेरिका और यूरोप के संबंधों में आई खटास की सबसे बड़ी वजह है अफगानिस्तान से नाटो फोर्सेस की वापसी। नाटो फोर्सेस में 36 देशों की सेनाएं हैं, इसमें 3/4 गैर अमेरिकी सैनिक हैं, लेकिन अमेरिका ने वापसी पर नाटो सदस्यों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया। उसने इसकी जानकारी तो दी, लेकिन वापसी के निर्णय पर एकाधिकार बनाए रखा। इसे लेकर एक एक कर सारे यूरोपीय देश अमेरिका पर हमलावर रुख किए हुए हैं। ब्रिटिश संसद में बोलते हुए पिछले महीने पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने कहा था, क्या हमारी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर है, क्या हमें अफगानिस्तान के हालात की कुछ भी जानकारी नहीं, या हम ये मानकर चल रहे थे कि अगर हम अमेरिका के पीछे पीछे आंख मूंद कर चलते रहेंगे तो सब सही हो जाएगा। जर्मनी में भी अमेरिका को लेकर गुस्सा भड़का हुआ है। जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार विदेशी जमीन पर किसी सैन्य मिशन में शामिल हुआ था। वहां अगले महीने इलेक्शन है। चांसलर के लिए कंजर्वेटिव उम्मीदवार आर्मिन लाशेत ने विदेश नीति के सवाल पर जवाब दिया है कि नाटो की स्थापना के बाद ये उसकी सबसे बड़ी हार है। चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति मिलोस जेमान ने कहा है कि अमेरिका वर्ल्ड लीडर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। यूरोप में सामरिक स्वायत्तता पर नए सिरे से बहस छिड़ चुकी है। यूरोपीय संघ को दो चिंताएं मुख्य रूप से सता रही हैं। पहली ये कि अफगानिस्तान में अशांति से 2015 जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, जब सीरिया से लाखों शरणार्थी यूरोप जा पहुंचे थे। यूरोप को चिंता है कि आने वाले वक्त में एक और रेफ्यूजी संकट खड़ा हो सकता है। यूरोप की दूसरी चिंता है रूस और चीन को लेकर। अमेरिका के लौटने से चीन के तेवर और आक्रामक हो गए हैं। पिछले दिनों चाइनीज मीडिया में ताइवान को लेकर नए बयान जारी हुए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अब ताइवान मदद के लिए पश्चिम की ओर नहीं देख सकता। दूसरी तरफ रूस को लगा है कि अब वो यूक्रेन पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। क्वाड को लेकर भी नई आशंकाएं जन्मी हैं। चीन का कहना है कि अमेरिका अगर अपने पुराने साथियों के प्रति वफादार नहीं रहा तो वो जापान और भारत को कितनी मदद दे पाएगा। लेकिन सबको लेकर अमेरिका चिंतित नहीं है। अमेरिका की तरफ से अभी तक अपने साझेदारों को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। बाइडेन कई बार दोहरा चुके हैं कि अफगानिस्तान से निकलने का उनका फैसला सही है। ये समझ लेना भी गलती होगी कि अमेरिका कमजोर पड़ चुका है। पहले इराक और अब अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका के पास अब अपने घरेलू मसले सुलझाने का बेहतर मौका है। साथ ही अमेरिका अब चीन की बढ़ती ताकत पर भी बेहतर तरीके से ध्यान दे सकता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि अमेरिका अपनी नॉर्मल स्थिति पर लौट चुका है। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि नाटो का भविष्य क्या होगा। क्या फ्रांस और जर्मनी मिलकर कोई नया गठजोड़ बनाएंगे, या अमेरिका के साथ रिश्तों में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। आज की दुनियादारी में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।